तो ठीक है, चलिए आज है 6 जनवरी 2021, दिखाई दे रहा है? हाँ सर, दिखाई दे रहा है जी सर। हमने कल आपको क्वेश्चन पढ़ा दिए थे, रोक लिए थे हमने। धन्यवाद आपको। आज मैं आपको उदाहरण नंबर दूसरा पढ़ा देता हूँ। उदाहरण नंबर 5 पढ़ाता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। कि घनाभकार कक्ष की आंतरिक माप, घनाभकार कक्ष की लंबाई L बराबर 12 मीटर दे रही है, चौड़ाई B बराबर 8 मीटर दे रही है और ऊंचाई H बराबर 4 मीटर है। अभी कह रहे हैं सफेदी कराने का वे कितना, ₹5 प्रति वर्ग मीटर यहां रख दो चेक करके, चेक करने के लिए अभी मैं दे दूंगा। और एक काम और करना, ब्रजराज जी है ना यहां से, ठीक है ब्रजराज जी है ना यहां पर, तो उनको कह रहे हैं एक लाल पेन भी दे दो, गुरु जी मंगा रहे हैं। ये चश बाबू फीस काटते ना, आप तो पूछ लेना कौन है, 2 नंबर कमरे में। ₹5 प्रति मीटर है, मीटर स्क्वायर है, तो ज्ञात क्या करवा रहा है अपने को बेटा जी, ज्ञात करना है कक्ष की चारों दीवारों एवं कक्ष की छत पर सफेदी कराने का व्यय। सफेदी कराने का वे ज्ञात करो। अभी आपको 15 मिनट बाद आना पड़ेगा मेरे पास, कि मैं क्लास ले रहा हूँ, एक सवाल पढ़ा दो फिर मैं आपकी चेक कर दूंगा, है ना। इनको खोल के रख दो ना प्लीज। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आप क्लास नहीं ले रहे 9th, 8th की, फिर ये चल पहले कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालो, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 × ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 × ऊंचाई × लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो 2 × ऊंचाई कितना, 4 मीटर, 10 × लंबाई 12 प्लस 8 मीटर, तो 8 मीटर × 20 मीटर 160 मीटर स्क्वायर। अब कक्ष की छत का क्षेत्रफल, लंबाई × चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर 4 मीटर, 12 × 96 मीटर स्क्वायर। तो सफेदी कराने योग्य कुल क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे 160 मीटर स्क्वायर प्लस 96 मीटर स्क्वायर बराबर कितना, 256 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसके, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का वे कितना था बेटा, ₹5, तो 256 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का वे कितना हो जाएगा,
256 इंटू इंटू पांच बराबर टोटल 1280 रुपये। आगे समझ में? हाँ सर। इन्हें उतार लीजिए आप। ज्ञात करने के आगे क्या लिख रखा है? कक्ष की चारों दीवारों एवं कक्ष की छत का सफेद कक्ष की छत सर पर ज्ञात, सर ज्ञात के आगे लिख रखा है वो ना सर ये? तीर का निशान है, दो बिंदु रेखा आगे। सर उसके आगे इधर की साइड ज्ञात के बिल्कुल जस्ट आगे कहाँ पर? यहाँ पर। हाँ सर ये सफेदी करने का व्यय है ना सर इसके आगे? सर ये भी आप एरो लाए थे यहाँ पर। सर ये सफेदी करने का व्यय है ना सर उसके नीचे ज्ञात ये ना। हाँ सर ये नहीं अरे ये ये हाँ है ज्ञात करना है। अरे मेरे भाई ये ले। इसमें क्या है कि पेन चलाते ना पेड़ पे तो फिसल जाता है कई बार। उतारो फटाफट उतारो। जिनका माइक्रोफोन ऑन है ना प्लीज बंद कर देवे। क्या लिखा हुआ है? कक्ष की चारों दीवारों आगे का क्षेत्रफल। अब थोड़ा और शुद्ध लिखूंगा मैं अगले क्वेश्चन में। सर आप बोलो, सुनाई दे रहा है मुझे? सुनाई दे रहा है आपकी बात? सर ये मतलब 5 रुपए प्रति मीटर के नीचे लिखा हुआ है ना कक्ष की चारों दीवारों, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? अरे भगवान चलो रुको रुको। चारों दीवारों एवं और कुछ बोलो। और जो भी खड़े ना उनको बेच देना मेरे पास। ये पड़ी ना कॉपी उनकी। बाकी डेली लेते हो आप ऑनलाइन क्लास? ऑनलाइन नहीं चलती अब आपकी भी, ऑफलाइन चालू करेंगे चिंता मत करो। कहा पूरे प्रकाश सत्य प्रकाश जी विज्ञान पढ़ाते हैं जो छोटे बच्चे वो पढ़ाते हैं क्या? वो घर आती होगी पढ़ाने? आप रहते कहाँ? एलडी शर्मा किधर? चलो बढ़िया। और आप? देखो इनको डायरेक्ट नहीं लिखते आप, देखो मेरे सवाल। पहले मैं लंबाई लिखूंगा, चौड़ाई लिखूंगा, ऊंचाई लिखूंगा, फिर सफेदी कराने का वे लिखूंगा, फिर दर लिखूंगा। आप बताओ कहाँ लिखते हो?
किसी की भी हो। करो तो देखो मन की कर लो, नहीं करो तो मर्जी हो आपकी यार। क्या भाई? मेरा कहना था, मैंने आपको कह दिया। वे अपन पढ़ा क्यों रहे हैं? अपन समझने के लिए तो पढ़ा रहे हैं ना। ये आपकी है, वो किसकी थी? तो पहले दो को दी क्या उसकी को? आपकी दो थी, आपके काम पूरा नहीं है ना। ये पासबुक की ज्ञाता है क्यों? उनको भी नहीं आता तो पासबुक में भी। फिर क्या समझ में आता है? ये भगवान, पासबुक से पढ़ना है तो क्या पढ़ा रहा? तो ऑनलाइन आप, मैं कह रहा हूँ ना ऑफलाइन चालू करवा देंगे हम आपकी थोड़े दिनों में। यहीं आओ, यहीं पढ़ो। हो गया क्या भाई? यस सर। चले आगे। सर रुको, सर रुको। अजी हाँ, रुके हुए भाई साहब, रुके हुए हम तो। सर प्रश्नावली के कौन कौन से सवाल करने हैं? अभी बताएंगे आपको। सर ये नीचे नीचे क्या लिखा हुआ है? सफेदी कराने का वे। सर नीचे नीचे नीचे, हाँ ये इसके ऊपर वाली लाइन में योग्य कुल क्षेत्रफल मिटाने में ये मात्रा ही निकल जाती है एक बार किसी। सब क्या हो गया? आगे हो गया सर। चलो क्वेश्चन नंबर टू पढ़ते हैं। टू सवाल क्या? स्लाइड नहीं आ रही हमारी। आपके नहीं आ रही? किसी के नहीं आ रही? आ रही है। जिनकी वजह चौके स्लाइड नहीं आ रही वो वापस लेफ्ट हो जाओ, लॉग आउट करके और वापस ज्वाइन करो। सर आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का पता कैसे चला इसमें? क्यों, इसमें दिया हुआ है ना, पहली लंबाई होती है, दूसरी चौड़ाई होती है, तीसरी ऊंचाई होती है। ठीक है भैया? हाँ सर। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण कल एक बच गया इसका, जो कल देख लेंगे। अभी आज का है दूसरा प्रश्न। अस्सी सेमी, अड़तालीस सेमी और छब्बीस सेमी माप वाले एक सूटकेस को त्रिपाल से ढकना है। तो अब सूटकेस तो क्या होता है, आपने देखा होगा कभी, अटैची बोलते हैं अपनी भाषा में। घर में क्या हो, सूटकेस को क्या बोलते हैं? सर इसकी तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी अलग अलग है। हाँ तो अलग अलग ही आएगी बेटा। सर इसका मतलब ये घनाभ है। बिल्कुल घनाभ है। तो पहले तो अपन लिख ले सूटकेस की लंबाई एल बराबर 80 सीएम, चौड़ाई बी बराबर 48 सीएम,
और ऊंचाई h बराबर 24 cm। अब सूटकेस को अगर कपड़े का से ढकेंगे तो चारों तरफ से नहीं पूरा ढकना पड़ता है, केवल बीच में चेन आती है ना। हाँ सर। तो अपन इसका क्या निकालेंगे, एक सूटकेस का TSI निकालेंगे, जबकि सूटकेस की संख्या कितनी दे रखी है, सो फिर कह रहा है कि इसको 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने त्रिपाल, कितने मीटर ट्रेड त्रिपाल की आवश्यकता होगी। तो अभी निकाल लेते हैं अपन, देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, त्रिपाल की चौड़ाई पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, त्रिपाल की चौड़ाई। और त्रिपाल की चौड़ाई क्या है, 96 सीएम। चलिए भैया जिनके पीछे से माइक्रोफोन खुला हुआ है उसको बंद करते हैं। एक सूटकेस का TSI अगर हम निकालें 2 × L × B + B × H + H × L, ये होगा इसका उत्तर आ गया। मान लीजिए XYZ कर लोगे, मैं बताऊं इसको सर, आ गया, आ गया ना। तो अब yes, कितने के सूट केस का निकालना अपने को, 100 सूट okay. केसों का TSI निकालना है। तो 100 × XYZ cm². ठीक है, हाँ सर आ गया। अभी क्या कह रहा है अपने को, 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले त्रिपाल की आवश्यकता होती है। तो त्रिपाल का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, पता है आपको, टेची की सर, सूट केस के। हाँ, 100 सूट केसों के क्षेत्रफल के बराबर। का क्षेत्रफल अब इसका सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका अपन ने निकाला 100 × कितना आया था, XYZ cm². तो आपको चौड़ाई निकालनी है तो क्या करेंगे अपन, 100 × XYZ / लंबाई। आपके पास चौड़ाई आ जाएगी, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 100 का भाग दे देना मीटर आ जाएगा। ठीक है, यस सर, उतारिए। अरे ऊंचाई के आगे क्या लिख रहा है, एच। सर एक बार वापस समझाना है, एक सूटकेस की लंबाई कितनी है, 80 cm, चौड़ाई कितनी है, 48 cm, ऊंचाई कितनी है, 24 cm। अब ये क्या कह रहा है कि सूट हमारे पास यदि 100 सूटकेस है तो 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले त्रिपाल की लंबाई मीटर में ही ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो सूटकेस होता है वो पूरी तरह से बंद होता है और उसमें चारों तरफ नहीं सभी जगह अपने को कपड़े का वो लगाना पड़ेगा, तो पैक हो जाएगा। पैक होगा तो इसका मतलब उसका TSI निकालेंगे अपन, टोटल सरफेस एरिया। तो पहले तो अपन एक सूटकेस का TSI निकाल लेंगे, उसके बाद अपन 100 सूटकेसों का TSI निकालेंगे। जितना है एक सूटकेस का उसको 100 से गुणा कर देंगे तो 100 सूटकेसों का TSI आ जाएगा। अब हमें चाहिए त्रिपाल का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा,
सौ सूट के सोके क्षेत्रफल के बराबर होगा। सर कैसे भाई? अपन तिरपाल जो लाएंगे उसके टुकड़े काट काट के तो इसमें कपड़ा लगाएंगे सौ सूट के समय, तो जितने तिरपाल बड़ा होगा तो दर्जी क्या करता है टेलर उसके टुकड़े काट के तो अपने कपड़े सिएगा एक थान में से, तो उस पूरे उस थान का यानी तिरपाल के थान का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? सौ सूट के समय क्षेत्रफल के बराबर। तो इसका लंबा इंटू चौड़ाई सौ इंटू जितना इसका आंसर आएगा। नहीं सर ये एक्स वाई जेड ये मैं बताऊं, ये आपको स्वयं सॉल्यूशन करना पड़ेगा। एल की जगह 80 रखना पड़ेगा, पी की जगह 48, एच की जगह 24। जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे वो एक्स वाई जेड की जगह रख देना मान। ये मैंने हिंट दिया कि यहाँ पर जो भी मान है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में लंबाई का भाग देना है, और लंबाई इसमें आपको दे रखी है छिन्न में सेंटीमीटर ओ चौड़ाई त्योहर यहाँ पर एक सेकेंड ये दे रखा है कि लंबाई का, यहाँ भी इसको ड्रॉप कर देते हैं, चौड़ाई छिन्न में सेंटीमीटर दे रखी है। तो पहले अपन इसको ऐसा कर लेते हैं, लंबाई इंटू छिन्न में सेंटीमीटर, तो फिर यहाँ पर लंबाई आ जाएगी अपने पास 100 इंटू एक्स वाई जेड बटे 96 cm। जेड में लंबाई इंटू चौड़ाई और ये ऊंचाई को जोड़ना है ना सर, ये पहले तीनों को फिर 100 से गुणा करना है। हाँ पहले इनको गुणा करना है, लंबाई इंटू पहले चौड़ाई कर दो, फिर चौड़ाई इंटू ऊंचाई करो, फिर ऊंचाई इंटू लंबाई करो, उनको सबका योग करके फिर 2 से गुणा करना, तो वो योग आया उसको 100 से गुणा करना है गुणनफल। उतार लिया? नहीं सर उतारो, तो बहुत पीछे। उतार लिया? नहीं सर, सर 100 से सर, सर नहीं उतारा।
अब भी नहीं हुआ क्या? हो गया। आप तो बोलते सर, नहीं हो, बोलते नहीं हो। सर भी आ, सर ही बोले। चलिए दो नंबर क्वेश्चन मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। तीसरा हो गया, अब आपको एक तो क्वेश्चन नंबर चार करना है और एक क्वेश्चन नंबर आपको करना है सात। ये दो क्वेश्चन आपको घर से करके देखने हैं, बाकी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर चार और सात, चार और सात करना है, ठीक है। अभी आपकी इंग्लिश वाली मैडम भी आ रही है। मैं बुला के लाता हूँ। कॉपी है दीदी, आपका इंतजार हो रहा है।